अब भाई साहब, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे आप लाइव प्रूफ देख लीजिए। पंजाब नेशनल बैंक से हमें 4 लाख रुपए का लोन अप्रूव्ड हुआ है और अगर आप ध्यान से देखें तो 18,811 रुपए का ईएमआई हमारा यहाँ पे जा रहा है। अब भाई साहब, पंजाब नेशनल बैंक से अगर आपको पर्सनल लोन चाहिए और हमारे इस वीडियो के ऊपर आपने क्लिक किया है तो 5 से 10 मिनट के लिए आप इस पूरे वीडियो को वॉच कीजिए। अब दोस्तों, यहाँ पे जो लोन हमें मिला है, इस लोन के लिए ना ही हमें कोई ITR देना पड़ रहा है, ना ही हमें कोई सैलरी स्लिप देना पड़ रहा है और यहाँ पे मैंने अपने बस KYC डॉक्यूमेंट से इस लोन के लिए अप्लाई किया है और भाई साहब, यहाँ पे विद इन 2 घंटे के अंदर जो पैसे हैं वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो चुके हैं। तो PNB पर्सनल लोन के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो फिर चलिए फटाफट से कार्यक्रम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, पंजाब नेशनल में ही नहीं बल्कि आज के टाइम में भारत में आप जिस भी बैंक में आपका अकाउंट है, सारे बैंकों के अंदर आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के ऑफर आते हैं और भाई साहब, 90% लोग के अकाउंट के ऊपर ऑफर भी रहता है लेकिन फिर भी उनको नहीं पता होने के कारण वो लोन के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे लोन की एलिजिबिलिटी कैसे चेक करनी है, कैसे आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे, मतलब पूरा स्टेप मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ। अब देखो, एक बार हम स्टेप्स को स्टार्ट करने से पहले, भाई साहब, अगर आप PNB में लोन अप्लाई कर ही रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपको इस लोन के ऊपर क्या चार्जेस देना पड़ रहा है। अब देखो, यहाँ पे आप PNB ही नहीं बल्कि भाई साहब कहीं भी लोन के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको लोन के बारे में चार्जेस समझना होगा। तो एक बार हम चार्जेस के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं कि यहाँ पे आपको लोन के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ रहा है, क्या प्रोसेसिंग फी देना पड़ रहा है, कितनी की आपकी EMI आएगी। सबसे पहले हम ये प्लान कर लेते हैं और उसके बाद आपको कैसे एलिजिबिलिटी चेक करना है, कैसे लोन अप्लाई करना है, 5 मिनट का प्रोसेस होगा, हम सारा स्टेप यहीं पे देख लेंगे। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो जो लोन का सेंसर अमाउंट है वो 4 लाख रुपए है, मतलब 4 लाख रुपए यहाँ पे हमें PNB के द्वारा दिया जा रहा है और यहाँ पे हम 24 महीने के लिए इस लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो, यहाँ पे जो आप रेट ऑफ इंटरेस्ट देख रहे हो ये बेसिकली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे जो आप लोन देख रहे हो, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा होता है तो इससे कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में भी आपको लोन मिल जाएगा और अगर आपका सिविल स्कोर बुरा होगा तो इससे ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट भी आपसे यहाँ पे लिया जा सकता है। आपका जो EMI आएगा वो 18,811 रुपए का 24 EMI आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, हम इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि आखिर हमें यहाँ पे कितना रुपए 4 लाख रुपए की लोन अमाउंट पे एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है। तो हमारा जो EMI आ रहा है वो 18,811 रुपए का EMI आ रहा है। अगर हम इसको 24 से कैलकुलेट करते हैं तो 4,51,464 रुपए हम यहाँ पे टोटल 24 महीने के अंदर वापस कर रहे हैं और यहाँ पे जो हमारा लोन सेंक्शन हो रहा है वो 4 लाख रुपए का हो रहा है। तो भाई साहब, 2 साल के अंदर हमें 51,464 रुपए एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। तो भाई साहब, अगर इसे हम कैलकुलेट भी करें तो आज के टाइम में ये बहुत ही कम है और अगर आपको ये लोन मिल रहा है तो आंख बंद करके यहाँ से आप ये लोन ले सकते हो। अब चलो फटाफट से हम ये देख लेते हैं कि कैसे हमें एलिजिबिलिटी चेक करना है और कैसे इस लोन को हम अपने बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर पाएंगे। अब PNB के इस पर्सनल लोन को अप्लाई करने के लिए बेसिकली आप हमारा ये जो वीडियो देख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने आपको अप्लाई लिंक दे दिया है तो इधर उधर आपको भागने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप लिंक पे क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपके सामने PNB का जो वेबसाइट है वो आ जाएगा। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि PNB के इस लोन को अप्लाई करने से पहले यहाँ पे आपके PNB के साथ कोई रिलेशनशिप पहले से होना चाहिए, चाहे वो आपका क्रेडिट कार्ड हो, चाहे वो आपका बैंक अकाउंट है। अगर आपके पास कुछ भी होता है तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मान के चलते हैं कि अगर आपका PNB में कोई अकाउंट नहीं है फिर भी आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो के अंदर आगे बताऊंगा। अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे आपको अपना अकाउंट ऑथेंटिकेट करना होगा जिसके अंदर आप चेक करना चाहते हैं कि यहाँ पे हम प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल है या फिर नहीं है। तो इसके लिए आपको एक कस्टमर आईडी का ऑप्शन है, अकाउंट नंबर का ऑप्शन है और आधार नंबर का ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगर आपको अकाउंट नंबर पता है तो आप अकाउंट नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं और अगर आपको कस्टमर आईडी पता है तो आप कस्टमर आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये दोनों पता नहीं है तो बेसिकली आप जिनका भी लोन अप्लाई कर रहे हैं उनका आधार नंबर और आपके बैंक के साथ जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल करना होगा और उसके बाद यहाँ पे आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप ये स्टेप कंप्लीट करते हैं, पंजाब नेशनल बैंक आपके मोबाइल नंबर पे 6 अंक का एक OTP सेंड करता है। तो अपना OTP यहाँ पे आप फिल करेंगे और वेरीफाई OTP पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे कंप्लीट वेरीफाई कर लेंगे। एक बार मोबाइल नंबर को आप जैसे ही OTP के साथ वेरीफाई कर लेते हैं, देख सकते हैं आप ऊपर 4 स्टेप्स के अंदर आपका ये लोन अप्लाई होगा, आपका एप्लीकेशन आईडी ऊपर शो हो जा रहा है और भाई साहब यहाँ पे आपके अकाउंट के अंदर जो आपका नाम है, आपका पैन नंबर है, अकाउंट नंबर है, तीनों इन्फॉर्मेशन आपके सामने आ चुका है। आप इसको एक बार अच्छे से कंफर्म करेंगे और उसके बाद यहाँ पे आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही यहाँ पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, बेसिकली आपका जो लोन ऑफर है आपके अकाउंट के ऊपर वो आपको देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे अकाउंट के अंदर 4 लाख रुपए का लोन यहाँ पे अप्रूव्ड है और इसको हम 60 मंथ, मतलब भाई साहब 5 साल तक के लिए लोन को अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लो अगर हमें 4 लाख रुपए का लोन रिक्वायरमेंट नहीं है
उस केस में हम करेंगे क्या कि इस 4 लाख अमाउंट को हम 25,000 तक लेके आ सकते हैं। तो 25,000 से लेके 4 लाख के बीच में जो भी अमाउंट है उसे यहाँ पे हम फिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको टाइमिंग बताना है कि आप 2 महीने से लेके 60 महीने के बीच में कितना अपना ईएमआई बनवाना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसे 2 साल के लिए कर रहे हैं, अगर आपको इसे ज्यादा करना है तो आप ज्यादा भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखो जो एस्टिमेटेड इंटरेस्ट रेट हमारे लोन के ऊपर चार्ज किया जाएगा वो 11.90 के आसपास किया जाएगा। और अगर इस लोन को हम 60 महीने में वापस करते हैं तो यहाँ पे जो हमारा ईएमआई है वो भी बन के आ चुका है। तो इस लोन को हम 24 महीने के लिए सेलेक्ट करते हैं। और ये सारा इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे नेक्स्ट का आइकन बनाया गया है, आप सिंपली नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देख लो कि हमने 4 लाख रुपए का ये लोन सेलेक्ट किया है, 24 महीने में हम वापस करेंगे। हमारा इंटरेस्ट रेट जो बन रहा है वो भी आप यहाँ से चेक कर लो, और यहाँ पे जो हमारा ईएमआई बनेगा अमाउंट वो भी आप चेक कर लो। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से आप चेक करोगे और उसके बाद आपको कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखो अगर आपके अकाउंट के ऊपर ऑफर आएगा तभी आपको ये लोन का सेंशन ऑफर आएगा, अगर आपके अकाउंट के ऊपर ऑफर नहीं होगा तो सामने आपका लिख के आ जाएगा कि आपके पास कोई भी ऑफर नहीं है। तो एक बार आप इस ऑफर को चेक कर लेना और उसके बाद यहाँ पे आप कंफर्म वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। अब जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको पूरा टर्म्स एंड कंडीशन पीएनबी के इस पर्सनल लोन के बारे में देखने को मिलेगा, आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर सकते हैं। 12 टॉपिक्स के ऊपर आपको इनका टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके अंदर आपको बहुत सारी कंडीशंस दी जाती है, तो इसमें आप पढ़ सकते हो और उसके बाद यहाँ पे आप एक्सेप्ट वाले बटन पे क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका ये जो ओटीपी है मोबाइल नंबर पे भेजा जा चुका है। आप दोबारा से अपना ओटीपी यहाँ पे वेरीफाई करेंगे और सबमिट ओटीपी पे क्लिक करके यहाँ पे आप ओटीपी को सक्सेसफुल वेरीफाई कर देंगे। और अगर यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो हमारा जो लोन है वो सक्सेसफुल डिसबर्स हो चुका है, 4 लाख रुपए का लोन यहाँ पे डिसबर्स हो चुका है, हमारे अकाउंट में सेंड कर दिया गया है। जो हमारा ईएमआई है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर एप्लीकेशन आईडी आपको देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों पीएनबी के इस लोन को कैसे अप्लाई करना है बहुत ही आसान प्रोसेस है, मैंने आपको दिखा दिया है। अब मान के चलते हैं दोस्तों कि हमारे अकाउंट के ऊपर प्री अप्रूव्ड ऑफर नहीं है और फिर भी हमें पंजाब नेशनल बैंक से लोन अप्लाई करना है, तो इस बेसिस पे हम क्या करें। तो देखो ये जो लोन है ये प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन था, इसके लिए आपको जनरल लोन अप्लाई करना है जिसको आप पीएनबी के वेबसाइट से भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको जनरल लोन अप्लाई करना है तो इसके ऊपर भी हम एक ब्रीफ वीडियो आपके लिए तैयार कर देंगे। इसके लिए बेसिकली आपको पीएनबी के वेबसाइट पे जाना होता है जिसके अंदर आपको अपनी इनकम डिटेल देनी होगी, जैसे आपको बैंक स्टेटमेंट वगैरह आईटीआर वगैरह, वहां से जाके आप फिर वेरिफिकेशन होगी, फिर आपको फाइनल एक लोन सेंक्शन किया जाएगा। ये जो लोन है वो स्पेशली पीएनबी के उस कस्टमर के लिए जो यहाँ पे प्री अप्रूव्ड लोन के लिए एलिजिबल है। तो अगर आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है आप जैसे ही फर्स्ट स्टेप कंप्लीट करेंगे आपको आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। तो भाई साहब पंजाब नेशनल बैंक से कैसे लोन अप्लाई करते हैं ए टू जेड जो प्रोसेस है वो हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, हैव अ गुड डे।